इस वीडियो में हम इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट पीएससीयूज में या आने वाले एग्जाम में पूछे जाने हैं और पूछ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो उसे लाइक मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द एरिया कवर्ड बाय इंडिया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, सो इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो आपका 32.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का कवर करती है पूरे वर्ल्ड में। और ये जो 32.85 लाख है स्क्वायर किलोमीटर, ये वर्ल्ड की बात किया जाए तो 2.42% जो है वर्ल्ड एरिया का ये इंडिया जो है एक्वायर करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द पोजीशन इन द टर्म ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। वर्ल्ड में क्या पोजीशन रखता है इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बता सकते हैं अगर आप जानते हो तो। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि सेवन पोजीशन रखता है इंडिया वर्ल्ड में एरिया के मामले में। और हम जान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन कौन कौन सी कंट्री रखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो पोजीशन रखता है इन द टर्म ऑफ एरिया वो रशिया रखता है, सेकंड जो है कनाडा रखता है, थर्ड पोजीशन जो रखता है यूनाइटेड स्टेट रखता है, एंड फोर्थ पोजीशन इज़ चाइना, फिफ्थ पोजीशन इज़ ब्राज़ील, और सिक्स पोजीशन जो है ऑस्ट्रेलिया रखता है, देन सेवन्थ पोजीशन की बात किया जाए तो इंडिया रखता है। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, बाय व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया डू हैव वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है, हाँ आप सही सोच रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। 17.5% जो है इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक्वायर करता है, और सेकंड पोजीशन जो है इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक्वायर करता है पोजीशन की बात करें तो। अगर परसेंटेज की बात करें तो 17.5% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक्वायर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कीबूती दिया हुआ है, इंदिरा कोल दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है, और कच्छ दिया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, कीबूती, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बाकी हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो बाकी जो ऑप्शन है जैसे इंदिरा कोल जो है, अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा कोल है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं मैप के थ्रू। देन इंडिया इंदिरा पॉइंट की बात किया जाए तो ये जो है निकोबार आइलैंड में है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। कच्छ की बात किया जाए तो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये चार जो ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में, और डिफरेंट हर एक बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इन इंडिया। कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड जो है इंडिया में है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 245, 256, 247, 263। सो इसका जो राइट आंसर है, आंसर सी होगा, 247। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बे ऑफ बंगाल की बात किया जाए, यानी कि दो तरह से, एक तरफ हमारे बे ऑफ बंगाल पड़ता है यानी कि जो ईस्टर्न साइड है, और वेस्टर्न साइड की बात किया जाए अरेबियन सी पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल में जो है 204 जो है आइलैंड है, जिसमें अंडमान निकोबार के आइलैंड है, ठीक है। बाकी अरेबियन सी में जो है 43 आइलैंड पड़ते हैं, जिसमें लक्षद्वीप के अकेले जो है 36 आइलैंड कवर होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है 247 हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच स्टेट टचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। यहाँ पे स्टेट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हर एक स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकता है। हाँ जी, आप सही आंसर सोच रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है मैक्सिमम स्टेट को टच करता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश है वो लगभग कितने स्टेट को छू करता टच करता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना, छत्तीसगढ़, झारखंड को टच करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट टचेस ओशंस। मतलब इंडिया के कितने ऐसे स्टेट हैं जो ओशंस को टच करती हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 5, 7, 9, 11। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी कि सेवन स्टेट ऐसे हैं जो इंडिया के जो टच करते हैं ओशंस को। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं वो सेवन स्टेट जो हैं, गुजरात हो गया आपका,
दमन दीव नगर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कोलकाता हो गया। तो ये जो है इसका राइट आंसर है। अब हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट टचेस हिमालय रेंज, हिमालय रेंज को कितने स्टेट जो है टच करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 9, 10, 8, 11। सो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि 10 स्टेट जो हैं हिमालय रेंज को टच करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टेट हैं वो। तो वो उन स्टेट का नाम जो है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया यानी कि उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश। जो 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 मैप आप देख रहे हैं और ये जो स्टेट हैं वो हिमालय रेंज को टच करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे कि 10 स्टेट ऐसे हैं जो हिमालय रेंज को टच करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाय व्हिच नेम गंगा इज़ कॉल्ड इन बांग्लादेश, गंगा नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, पद्मा, जमुना, टोंगो, महानदी। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पद्मा। पद्मा जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो जमुना है वो बांग्लादेश में, जैसे इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहती है बांग्लादेश में भी, तो जो बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र है उसे जमुना के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है, अगर गंगा की बात करें तो पद्मा नाम से जानती है, जो राइट आंसर है इसका ए हो जाएगा। अगर पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस नाम से जानती है बांग्लादेश में, सो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जमुना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बाय व्हाट नेम ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नोन इन चाइना। तो देखिए यहाँ पे चाइना पे पूछ लिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो यालुंग तंगशपो रिवर है, यानी कि ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को यालुंग तंगशपो रिवर के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, सो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यालुंग तंगशपो। जमुना की बात करें तो ये बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है जमुना के नाम से जानी जाती है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो चाइना में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दिहांग नाम से जानी जाती है। और जो लास्ट ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं, यंगती रिवर की। ये एशिया की सबसे बड़ी रिवर है जो चाइना में बहती है। तो आप ध्यान रखेंगे अगर एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वो हो जाएगी यंगती, जो चाइना में बहती है। अगर देखिए मैंने आपको ऑप्शन में आंसर यहाँ पे दिखा दिया है कि बाकी नदियों को किस स्टेट में क्या क्या बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिहांग हो जाएगा, दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट नाम क्या है, अरुण, वरुण, नेफा, फेना। तो अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो इसका जो पुराना नाम है वो नेफा है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर है। और एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा स्टेट बना था 20 फरवरी 1987 को, और अरुणाचल प्रदेश को ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, साथ ही साथ ये पैराडाइस ऑफ बोटोनिस्ट भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राइजिंग सबसे पहले जो सन है वो कहाँ पे, किस स्टेट पे उदय होता है, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। यानी कि अगर बात करें इंडिया स्टेट में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसे राइजिंग सन कहा जाता है, राइजिंग सन ऑफ स्टेट कहा जाता है, तो उसका भी आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश होगा। तो ये तीन चीज़ जो है अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच रेंज इज ओल्डेस्ट रेंज ऑफ इंडिया, कौन सा रेंज है जो ओल्डेस्ट रेंज है इंडिया का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अरावली रेंज, हिमालय रेंज, काराकोरम रेंज, कार्डोमोन रेंज। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से रेंज जो है कैसे, किस नाम से और कहाँ कहाँ पे स्थित है वो जान लेते हैं। तो अरावली, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, अरावली रेंज जो है वो काफ़ी ओल्डेस्ट रेंज है इंडिया का। और हिमालय रेंज की बात करें तो ये न्यूएस्ट है, ये फोल्ड माउंटेन रेंज से बना हुआ है जबानी। और बाकी जो कार्डोमोन रेंज है वो याला माला जो ये के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो कार्डोमोन रेंज है वो केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे हिमालय देख रहे हैं, देखिए ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है,
ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अरावली जो रेंज है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, विंध्य रेंज की बात किया जाए तो वो मध्य प्रदेश और थोड़ा सा गुजरात या महाराष्ट्र में पड़ जाता है। सतपुरा रेंज देखिए तो ये भी आपका थोड़ा महाराष्ट्र में पड़ता है। वेस्टर्न घाट की बात किया जाए तो ये केरल से लेके आपका कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर जो है वेस्टर्न रेंज पड़ता है। और गारो खासी की बात किया जाए तो ये मेघालय में पड़ता है। नीलगिरीज भी पूछता है विच माउंटेन इज नोन एज नीलगिरीज, विच माउंटेन इज नोन एज ब्लू माउंटेन, तो इसका जो आंसर है नीलगिरीज हो जाएगा। तो नीलगिरीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु शिखर, अनामुदी, कैमेट, अनामलाई हिल। सो अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक पूछा हुआ है तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि गुरु शिखर जो है इसका हाईएस्ट रेंज है। यहाँ पे और भी माउंटेन दिए गए हैं जो रैंक के हिसाब से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड अब यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट लाइक द वीडियो। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। इसका जो सेकेंड पार्ट है और बाकी जो पार्ट है वो अपलोड कर दिए जाएंगे आपको कुछ दिनों में। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।